आज दिनांक 20/4/2020, आज का टॉपिक है बेल्ट वाली सलवार। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मैं आज ये जो एक्सरसाइज समझाकर यूट्यूब पर डाल दूंगा, उसे आप अच्छी तरह से ध्यान से देख लें। परिचय, बेल्ट वाली सलवार का परिचय। अत्यधिक फैशन व फिटिंग को ध्यान में रखते हुए आजकल की युवक कन्या डिलीवर्स पहनना पसंद नहीं करती हैं, इसलिए ये टाइट फिटिंग वाली सलवार का प्रचलन हो गया है। इसमें आसन का आधे हिस्से की ऊपर फिटेड में बेल्ट बनाई जाती है और नीचे की हिस्सा जो ढीला रहता है, ताकि जो चुस्त कुर्ती वगैरह पर इसका जो मैचिंग सही लगे। कपड़ा, अन्य कपड़ों की तरह इसमें भी वही कपड़ा लगता है, कॉटन है, पापलिन है, बासम लियर है, टेरिकोट है आदि आदि। दबाव बा मोड़, नेफा के लिए 5 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंच पाउचे में 1 सेंटीमीटर, बेल्ट के लिए नीचे 1 सेंटीमीटर तथा सलवार पाउचे व कुन्नों में ऊपर 1 सेंटीमीटर दबाव रखना चाहिए। अनुमानित कपड़ा, 90 सेंटीमीटर अर्ज का कपड़ा, 1 लंबाई पाँचा प्लस हेम, 1 लंबाई कुंदा प्लस 1 लंबाई आसन प्लस हेम कपड़ा लगता है। इसी प्रकार बस यही है इसमें। भाग विभाग में 2 भाग बेल्ट, 2 भाग पाँचा धागा, 4 भाग कुंदे, 2 अस्तर की पट्टियाँ, 2 मध्यस्तर के लिए बुकरम की पट्टियाँ आदि। सिलाई की प्रक्रिया, नाप के अनुसार सलवार का ड्राफ्ट बना लें, फिर उसका पेपर पैटर्न काट लें, कुंदे व पाउचों को जोड़ें, पाउचों को पट्टी लगाकर डिजाइन बनाएं, गिदरी की सिलाई लगा लें। सलवार के ऊपर वाले भाग में चुन्नट डालने के लिए 2 बड़े बखिया लगाएं, आसान के दाएं बाएं कुंदों की आसन के दाएं बाएं कुंदों की 3/4 भाग से चुन्नटें जोड़कर बाकी सब में डाल दें। अब बिना चुन्नट का भाग पीछे का भाग तथा चुन्नटों वाला आगे का भाग माना जाएगा। बेल्ट में डाल सकते हैं, नहीं तो आजकल जो साधन वो कमरबंद डालकर ही बनाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से अच्छा सावधानियाँ, बेल्ट की ओपनिंग यानी उल्टे हाथ तथा बेल्ट की ओपनिंग उल्टे हाथ पर ही रखें। बेल्ट की ओपनिंग पर स्टिच या प्रेस बटन लगाएं, नहीं तो बैठने पर सब चट चट करके खुल जाएंगे। हुक का प्रयोग करें आदि। वो ड्राफ्ट देख लीजिए, इसका ड्राफ्ट मेजरमेंट है 36 इंच हिप, लेंथ है 38 इंच, बॉटम 12 इंच का, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसमें पहले बेल्ट का हिस्सा ऊपर कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट का हिस्सा कटिंग करते हैं, आपका बेल्ट का एक नियम ये है कि आसन का आधा, बेल्ट का जो आसन का आधा होगा यानी कि आसन का नियम है BH/3+2 इंच आसन रखा जाएगा, यानी कि हिप है आपकी 36, तो 12 + 2 = 14 होगा, 14 इंच का आधा जो बेल्ट का निशान का आपने पहले निशान खींच लिया, ये ऊपर की कटिंग का निशान हो गया, ये 7 इंच का, और इसको जोड़ते हुए उसमें पूरी लंबाई बेल्ट FLT यानी फुल लेंथ आपकी हो गई हिप का, फुल लेंथ हो गई आपकी 90 सेंटीमीटर। अब या इसको जो बेल्ट का हिस्सा ऊपर से माइनस कर देंगे
फुल लेंथ हो गई आपकी हिप का 1/6, यानी कि 6 × 36 6 इंच का माइनस करके बाकी जोड़ लेंगे। 6 घटाने के बाद में 30 इंच का, ये जो 3 इंच का नीचे का हिस्सा हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 30 इंच का हो गया, ऊपर आपका 6 इंच का, 6 इंच का इसलिए होगा 6 इंच का, और प्लस नेफा वगैरह ये बाद में ये ऐड हो जाता कपड़ा कटते समय, ठीक है। पाउचा, पाउचे का निशान आप लगाएंगे 15 सेंटीमीटर, पाउचा यानी कि 6 इंच, 6 इंच का 12 मोहरी है तो 6 इंच का आपने ये पाउचा ले लिया, कुंडे जैसे जो पाउचा ले लिए 6 इंच का, यहाँ से 6 इंच। बाकी ये बाकी जो हिस्सा बचा, ये पहले ये 4-5 निकाल ले जाती हैं, इसके बाद में जो बाकी जो हिस्सा बचा उसके कुंडे बनाए जाते हैं 4, तो इसका क्या है मैं 1/2 बेड़ते, यानी कि जो अर्ज है उसका 1/2, यानी 2.5 कर लेते हैं, यानी 18 इंच का हो गया आपका बेड़ता ऑफ किलावट, यानी बेड़ता ऑफ किलावट का आधा हो गया, यानी कि 90 इंच 36 इंच होती है, 18 इंच ही हो गया, 18 + 6 इंच यानी कि 24 इंच का ये निशान हो गया, ये 4 कुंडे ये हो जाएंगे आपके। आसन, आसन हिप का 1/4, हिप का 1/3 प्लस 2 इंच यानी कि 14 का आसन का आधा, आसन इसमें आ जाएगा, आसन का आधा ये हो गया, ये हो गया आपका 7 इंच का ये निशान लगा दिया। इधर आपका ये लगा दिया आपका बेल्ट का, पाउचे का, पाउचा है आपका 12 इंच का है तो 6 इंच का ये निशान लग गया पाउचे का, और ये इस तरह से इस यहाँ से जो आसन से सीधी लाइन खींच दी इधर, ये आसन ये उसका पाउचे की लाइन होगी, आसन की लाइन होगी, इस तरह से ये ड्राफ्ट आपका तैयार हो गया। और इसकी ड्राफ्ट के बाद में इसका जो है पेपर पैटर्न कटिंग करके और कपड़े पर लेआउट करके सलवार का काट लें, ठीक है।